Hello everyone. So today the topic of revision is decontamination of the unit and equipment. ठीक है, ये टॉपिक आज हम रिवाइज करेंगे. And this topic is from unit number 5, right? So let's start with it. So first of all comes the introduction. So microorganisms can be transmitted to people from instruments, equipment or the environment. ठीक है, जो microorganism है वो एक से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट से. वेयर अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इज़ यूज फॉर मोर देन वन पेशेंट, इट मस्ट बी डिकंटामिनेटेड फॉलोइंग ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ यूज़. ठीक है, तो जहाँ पे इक्विपमेंट एक से ज़्यादा लोगों पे आपने यूज़ करना है तो उसको पहले एक पे यूज़ करने के बाद उसको डिकंटामिनेट करना जो है वो ज़रूरी होता है. जैसे आप एग्जांपल लीजिए थर्मामीटर. ठीक है, तो थर्मामीटर अगर आपके पास एक थर्मामीटर है और आपके वार्ड में पेशेंट 10 हैं तो आपने हर एक पेशेंट के पास जाने से पहले उसको आपने डिसइंफेक्ट करना है. द डिकंटामिनेशन प्रोसेस मेक्स मेडिकल डिवाइसेस सेफ फॉर हेल्थ केयर स्टाफ टू हैंडल एंड फॉर द यूज़ ऑन द पेशेंट्स. ठीक है, तो ये सेफ्टी पर्पस के लिए किया जाता है. The level of decontamination required is dependent on what the equipment is used for and the level to which it has been contaminated. ठीक है, तो decontamination किस चीज़ पर depend करती है कि किस चीज़ से बना हुआ है instrument. ठीक है, जो equipment है वो किस तरह का equipment है. ठीक है, और उसके ऊपर depend करेगा कि उसको किस तरह की जो वो है, आप बोल सकते हैं कि decontamination technique जो है उसके ऊपर इस्तेमाल की जाएगी. तो वो हर इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट होती है, तो वही हमने डिस्कस करना है इसके अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम द डेफिनेशन. द टर्म डीकंटामिनेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस विच रिमूव्स और डिस्ट्रॉयज द कंटामिनेशन. ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि कंटामिनेशन जो है वो खत्म हो जाती है. कॉन्सिक्वेंटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग अ ससेप्टेबल साइट इन सफिशेंट नंबर्स नेसेसरी टू इनिशिएट इन्फेक्शन और एनी अदर हार्मफुल रिस्पॉन्स. राइट, so this was about the definition of decontamination. So process kya hota hai decontamination ka? Theek hai, so these are the process to be followed to initiate correct steps in performing decontamination. So jab bhi aap decontamination karenge to aapko is process ko jo hai wo aapko follow karna hai. Sabse pehle kya aata hai? Cleaning. So physical removal of contaminants including dust, soil and organic matter along with the large proportion of microorganisms. Theek hai, सो क्लीनिंग का मतलब क्या है? फिजिकली रिमूव कर रहे हो आप कंटामिनेंट्स को. कंटामिनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकती है, सॉइल भी हो सकती है या कोई ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है. ठीक है, तो आपने उसको रिमूव करना है. एंड दिस प्रोसेस इज एसेंशियल प्रायर टू डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन. तो आपने डिसइंफेक्शन करने से पहले या स्टरलाइजेशन जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, उसको करने से पहले पहले हमने उस सब्जेक्ट को क्लीन करना है. जैसे सपोज आपने कोई सीजर्स है, ठीक है, आपने कोई सीजर्स पेशेंट पे यूज़ करा है, तो आपने क्या करना है, जैसे सपोज बैंडेजिंग के लिए आपने यूज़ किया सीजर्स को, तो आपने उस सीजर को पहले रनिंग वाटर के साथ उसको पहले क्लीन करना है. ठीक है, बिफोर इट इज़ सेंट टू द स्टरलाइजेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स क्लीनिंग के बाद सेकेंड है आपका डिसइंफेक्शन. सो यूटिलाइजिंग हीट और केमिकल्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अ लेवल विच इज़ नॉट हार्मफुल टू द हेल्थ. ठीक है, तो डिसइंफेक्शन करेंगे क्लीनिंग के बाद. और डिसइंफेक्शन हम किस मेथड से कर सकते हैं? हीट के थ्रू भी कर सकते हैं, केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, और जो कि फिर हमारी हेल्थ को हार्म नहीं करेंगे. राइट, सो सबसे पहले क्या करना है? क्लीनिंग, देन करना है डिसइंफेक्शन. देन आता है आपका स्टेरिलाइजेशन. सो रेंडर्स द ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स एंड वायरसेस. ये आपको पहले क्लास में बता चुके हैं. ठीक है, जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं प्लस उसके जो स्पोर्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं. ठीक है, सो ये नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए डाला है. ऑल डिकंटामिनेशन प्रोसीजर्स शुड बी अंडरटेकन बाय अ क्वालिफाइड ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड मेंबर ऑफ स्टाफ वेयरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ठीक है, जो भी डिकंटामिनेशन करेंगे, डिकंटामिनेशन वाला प्रोसीजर करने से पहले उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से डिकंटामिनेशन का प्रोसेस किया जाता है. एंड प्लस डिकंटामिनेशन करते हुए उनको PPE जो है वो वियर करना होता है, दैट इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें मास्क आता है, गाउन आता है, ग्लव्स आते हैं, गॉगल्स आते हैं. ठीक है, ग्लास वियर, आई वियर जिसे आप बोलते हैं, एंड शूज आते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रुप्स ऑफ या कैटेगरीज ऑफ आइटम्स रिक्वायरिंग डिकंटामिनेशन. ठीक है, तो
किस किस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको किस तरह के जो डिकंटेमिनेशन है वो चाहिए होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो ईच इंस्ट्रूमेंट और पीस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट विच कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. तो पेशेंट केयर के लिए आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को आप एक तरह से कंसिडर करोगे कि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. फिर द डिकंटामिनेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड इज कॉमनली स्पेसिफाइड एज वन ऑफ द थ्री लेवल्स. ठीक है, जो डिकंटामिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो थ्री लेवल्स पे किया जाता है. ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट प्रपोज बाई डॉक्टर ई एच स्पॉल्डिंग. ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. सो ये तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को या इक्विपमेंट्स को, हाई रिस्क और क्रिटिकल आइटम्स, सेकेंड आता है मीडियम रिस्क या फिर सेमी क्रिटिकल आइटम या फिर लो रिस्क नॉन क्रिटिकल आइटम. तो तीन ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये ग्रुप्स हैं, ठीक है, या कैटेगरीज हैं आइटम्स की जिनको की डिकंटामिनेशन चाहिए होती है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एंड लो रिस्क. हाई रिस्क को क्रिटिकल आइटम भी बोला जाता है, मीडियम रिस्क को सेमी क्रिटिकल आइटम एंड लो रिस्क को नॉन क्रिटिकल आइटम. सो ये आ जा रहा है आपका टेबल. ठीक है, सो रिस्क के अकॉर्डिंग हम इक्विपमेंट को स्टडी करेंगे और उसमें कौन सा मेथड जो डिकंटामिनेशन का यूज़ होता है वो स्टडी करेंगे. सबसे पहले अगर हाई रिस्क आइटम है, ठीक है, जो कि हमने थर्ड कैटेगरी में लिखा है हाई रिस्क, सॉरी फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ हाई रिस्क. सो हाई रिस्क में वो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं विच आर क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, जो पेशेंट की स्किन के साथ या म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आए होते हैं और जिसको हम पेशेंट की बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कार्डियक और आईवी कैथेटर्स हो गए, ठीक है, जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं क्योंकि वो पेशेंट की बॉडी कैविटी या टिश्यूज़ में एंटर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें किसमें आएगी, हाई रिस्क में. तो इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए सर्जिकल जैसे इंस्ट्रूमेंट है हम स्टेरलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. देन मीडियम रिस्क पे कौन सी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हैं जो कि नॉन इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है. ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के साथ भी आती है और पर्टिकुलरली आफ्टर यूज़ ऑन इन्फेक्टेड पेशेंट्स और प्रायर टू यूज़ ऑन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो कि नॉन इंटैक्ट मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट में आए हैं, पेशेंट के टच में आए हैं और पेशेंट की स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं प्लस पेशेंट के बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में आए हैं. ठीक है, और पर्टिकुलरली वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एक इन्फेक्टेड पेशेंट के ऊपर यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और या फिर उस पेशेंट में वो यूज़ होने वाले हैं जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कम है, जैसे HIV एड्स वाले पेशेंट की इम्यूनिटी जो होती है वो कम होती है. ठीक है, सो दीज आइटम मस्ट बी फ्री ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसलिए उसके लिए भी जो मेथड ऑफ ये हम रिकमेंड करते हैं डिकंटामिनेशन का मेथड, दैट इज स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन. देन आते हैं लो रिस्क. लो रिस्क में वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, वो आइटम्स आती हैं दैट आर इन कॉन्टैक्ट विद हेल्दी इंटैक्ट स्किन, जो कि हेल्दी और इंटैक्ट स्किन के साथ टच में होती है बट नॉट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन और नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट. ठीक है, जो कि पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आई है और जो हेल्दी स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है उसको हम लो रिस्क मानते हैं, जैसे कि बेड पैन. ठीक है, बेड पैन हम पेशेंट को देते हैं तो वो पेशेंट के स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होता है उसका. ठीक है, लिनन्स हो गए, लिनन मतलब पेशेंट की जो बेड लिनन्स होती है, या स्टेथोस्कोप है. ठीक है, स्टेथोस्कोप भी जो है वो हम पेशेंट के स्किन के हाथ में टच हो जाता है ना, तो उसे हम किस में लेंगे, फिर लो रिस्क में. और इसको क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग काफ़ी होती है. ठीक है, डिसइंफेक्शन हम करेंगे केमिकल के साथ और साथ में पहले क्या करेंगे उसकी क्लीनिंग. देन आपका नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर क्लीनिंग. ठीक है, सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट क्लीनिंग, क्योंकि डिकंटामिनेशन का फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज क्लीनिंग और सेकंड क्या आता है इधर डिसइंफेक्शन और स्टेरलाइजेशन. तो क्लीनिंग क्या होता है, इट इज़ अ डर्ट रिमूविंग प्रोसेस यूजिंग लिक्विड डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर. जैसे आप घर में क्लीनिंग करते हैं तो सेम प्रोसेस है जिसमें हम डर्ट को रिमूव करेंगे यूजिंग लिक्विड डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर. दिस प्रोसेस रिमूव्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो क्लीनिंग के प्रोसेस से हाई लेवल के जो होते हैं, हाई प्रोपोर्शन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ग्रीस, ल्यूब्रिकेंट्स विच माइट अदरवाइज प्रोटेक्ट ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एडिशनल डिकंटामिनेशन प्रोसेसेस सच एज डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन. तो क्लीनिंग पहले क्यों जरूरी होती है, क्योंकि कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ग्रीस लग जाती है या ल्यूब्रिकेंट्स लग जाते हैं और वो स्टरलाइजेशन के लिए जब हम उस इंस्ट्रूमेंट को भेजते हैं तो वो प्रॉपरली उस जगह से स्टरलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर ग्रीस अवेलेबल थी और या फिर ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट था.
इसलिए हम उसे किसमें कंसिडर करेंगे, क्लीनिंग के लिए कंसिडर करेंगे। तो इसमें हमने सिंपली डर्ट को रिमूव करना है। देन जनरल प्रिंसिपल्स क्या आते हैं क्लीनिंग के? सो क्लीनिंग एंड थॉरो रिंसिंग शुड ऑलवेज प्रीसीड एनी अटेम्प्ट टू डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज। सो डिसइंफेक्ट और स्टरलाइजेशन से पहले क्या करना है? क्लीनिंग। देन क्लीनिंग कैन बी अचीव्ड बाय ईदर मैनुअल और ऑटोमेटेड मेथड्स। देन क्लीनिंग शुड बी कैरिड आउट यूजिंग अ वैलिडेटेड क्लीनिंग प्रोसेस वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो क्लीनिंग करने के लिए आपको जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे या जो आप क्लोथ यूज करेंगे, दैट शुड बी क्लीन इनफ। देन टाइप्स ऑफ क्लीनिंग आ जाता है मैनुअल क्लीनिंग। मैनुअल का मतलब क्या है? अपने हाथ से आप करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड क्लीनिंग, यानी कि यू आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ सम मशीन्स, राइट। सो इफेक्टिव क्लीनिंग इज एन एसेंशियल प्रीरिक्विजिट टू ऑल द सब्सिक्वेंट मेथड्स ऑफ डीकंटामिनेशन। एंड मैनुअल क्लीनिंग इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस डन बाय द ह्यूमन। ठीक है, मैनुअल क्लीनिंग कौन करते हैं? विच इज डन बाय अ पर्सन इटसेल्फ, राइट। ऑटोमेटेड क्लीनिंग, ठीक है, सो इट इज अ कंट्रोल प्रोसेस दैट विल प्रोवाइड मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। And therefore, manual cleaning of items should only be undertaken when automated methods are inappropriate or unavailable. ठीक है, तो automated cleaning जो होती है वो controlled process होता है। ठीक है, जिससे कि हमें consistent results मिलते हैं, मतलब कि हम उसको set कर देते हैं कि इतने time में ये चीज़ clean होनी है उससे, तो वो उतने time में वो clean हो जाते हैं। तो consistent results रहते हैं automated cleaning के अंदर। ठीक है, और मैनुअल क्लीनिंग फिर हम उसी के अंदर करेंगे, ठीक है, जिसमें कि हमें लगता है कि ऑटोमेटेड क्लीनिंग जो है वो इनअप्रोप्रिएट है या ऑटोमेटेड क्लीनिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब हम मैनुअल क्लीनिंग करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर हम कौन सी पे प्रेफर करेंगे? ऑटोमेटेड क्लीनिंग, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता है ना, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड क्लीनिंग। सो ये आ गया आपका लिस्ट ऑफ ऑटोमेटेड क्लीनर्स। ठीक है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक क्लीनर आता है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास में भी बताया गया है इस लेक्चर के बारे में, है ना, तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अभी। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर आ जाता है आपका इसके अंदर। देन वॉशर डिसइंफेक्टर आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि आप डिसइंफेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक मेडिकल यूटेंसिल्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एंड अदर आर्टिकल्स फाउंड इन द हेल्थ केयर। वॉशर डिसइंफेक्टर। देन थर्मल वॉशर डिसइंफेक्टर। थर्मल का मतलब क्या है? हीट के साथ। ठीक है, सो हीट के साथ ये डिसइंफेक्ट करता है, क्लीन करना। एंड इट इज़ अ मेथड ऑफ क्लीनिंग ओनली, थर्मल वॉशर डिसइंफेक्टर। इसके अंदर टेम्परेचर जो होता है, दैट इज़ 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर क्लीनिंग भी हो जाती है प्लस डिसइंफेक्शन भी हो जाता है थर्मल वॉशर डिसइंफेक्टर के अंदर। ये देख सकते हैं पिक्चर के अंदर आप, दिस इज द पिक्चर शोइंग थर्मल वॉशर डिसइंफेक्टर, और इसके अंदर क्या है? किडनी ट्रे रखी है, ठीक है, फॉर द पर्पस फॉर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। देन टाइप्स ऑफ क्लीनिंग अ रिव्यू। ठीक है, अभी टाइप्स की डिवाइस कर लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आया आपका क्लीनिंग। क्लीनिंग में दो आती है, मैनुअल या ऑटोमेटेड। मैनुअल में आपका आएगा इमर्शन या फिर नॉन इमर्शन। इमर्शन का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ को डिप कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर क्लीन करने के लिए। दूसरा क्या है? नॉन इमर्शन, मतलब आप उसको डिप नहीं कर सकते, आप उसको सुपरफिशली फिर क्लीन कर रहे हो। देन ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में आपके आ गया थर्मल या वॉशर डिसइंफेक्टर्स, ठीक है, या फिर अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स। ये आपका आ गया ऑटोमेटेड के अंदर, ये अभी तक हमने डिस्कस किया है। देन नेक्स्ट आ गया डिसइंफेक्शन। सो इसमें आपको मैं बताती हूँ जो हमने क्लास में किया था। वन सेकेंड, प्लीज होल्ड ऑन। यस, डिसइंफेक्शन, ठीक है। सो डिसइंफेक्शन इज द किलिंग ऑफ मैनी बट नॉट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म टू अ लेवल दैट कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, सो डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि हम ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को जो है वो किल कर देते हैं, सारे नहीं, बहुत सारे नहीं, मतलब ज़्यादातर को हम किल कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ द कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स टू अ लेवल दैट कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन। तो हमने इस लेवल तक हम डिसइंफेक्शन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है किल कर देते हैं, जिससे कि वो आगे हमें और इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। ठीक है, सो करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, सो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? आर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर डिसइंफेक्शन, एंड डिसइंफेक्टेंट्स शुड बी यूज ओनली ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे ही जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि इनएनिमेट का मतलब क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर।
देन एंटीसेप्टिक्स. एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? दे आर माइल्ड फॉर्म्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स दैट आर यूज एक्सटर्नली ऑन लिविंग टिश्यू और टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो एंटीसेप्टिक हम किस पे करते हैं? लिविंग टिश्यूज के अंदर. जैसे कि हमें कोई कट लग जाता है तो हम क्या करते हैं? डिटॉल से उसे क्लीन करते हैं. सो डिटॉल क्या? एक तरह का एंटीसेप्टिक. तो लिविंग टिश्यू पे अगर हम यूज कर रहे हैं सो दैट इज एंटीसेप्टिक. ये बच्चे हम डिटेल में कर चुके हैं सारी टर्मिनोलॉजीज, अगर आपको याद होगा तो ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि उन सारी टर्मिनोलॉजीज को भी आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना साथ में, ठीक है. सो डिसइंफेक्शन लाइक इज यूज्ड व्हेन आइटम्स कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड और सिचुएशंस वेयर नो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज अवेलेबल. तो डिसइंफेक्शन वहाँ हम करते हैं जहाँ पे या तो स्टरलाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है या फिर वो आइटम्स है जिसको हम स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करेंगे? डिसइंफेक्ट करेंगे. देन केमिकल यूज इन डिसइंफेक्शन आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है. जैसे कि अब थर्मामीटर है, थर्मामीटर को आप ऑटोक्लेव में नहीं डाल सकते हो स्टरलाइजेशन के लिए, तो आप क्या करोगे? उसको डिसइंफेक्ट करोगे, ठीक है. तो दैट इज द थिंग. देन केमिकल्स यूज इन डिसइंफेक्शन आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स एंड डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स हैव डिफरेंट टारगेट रेंजेस. नॉट ऑल डिसइंफेक्टेंट्स कैन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. Then, disinfection techniques are classified according to consistency, spectrum of activity, ठीक है. तो disinfectants होते हैं, different तरह के disinfectants होते हैं, तो उनको आप categorize कैसे करते हैं, classify कैसे करते हैं? उनकी consistency के ऊपर. Consistency का मतलब क्या है? Liquid है वो या फिर gaseous form में है. Then, spectrum of activity. Spectrum of activity का मतलब है कितनी जल्दी वो act कर सकते हैं. High level activity है उनकी, intermediate level की है या low level की है. देन उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है. मतलब कि एक्शन ऑन द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के ऊपर कैसा एक्ट कर रहा है, अल्कोहल बेस्ड है या डिटर्जेंट है. देन डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, ठीक है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर प्रोटीन होता है उसको डीनेचुरेशन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ऑक्सीडेशन पर डिपेंड करता है, एकाइलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है. तो इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है. देन टाइप्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स की. सो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स है जैसे कि हम हाउस कीपिंग के लिए यूज़ करते हैं और नॉन क्रिटिकल आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि पेशेंट की स्किन के साथ टच में नहीं आते, जैसे कि लाइजॉल. तो ये क्या है? लो लेवल डिसइंफेक्टेंट. जैसे कि ये फ्लोर की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. देन इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, फॉर सेमी क्रिटिकल आइटम्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, ठीक है. तो सेमी क्रिटिकल आइटम्स में हम इसको रखेंगे, ठीक है. देन हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स आ जाते हैं फॉर क्रिटिकल आइटम्स दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी टिश्यूज और बिलो द स्किन मेम्ब्रेन्स. तो वो किसमें आएगा? आपका हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स के अंदर. देन ये भी हम क्लास में पहले पढ़ चुके हैं ना, मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन. फिजिकल डिसइंफेक्शन है, केमिकल डिसइंफेक्शन है, ठीक है. तो फिजिकल डिसइंफेक्शन पहले हम करेंगे डिस्कस. सो इसके अंदर, फिजिकल डिसइंफेक्शन के अंदर जो है हम मॉइस्ट हीट को यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे कि बॉयलिंग इन वाटर, ठीक है, मॉइस्ट हीट को हम यूज़ करेंगे सच एज बॉयलिंग इन वाटर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स एट सी लेवल और बाय टिंडलाइजेशन मींस बॉयलिंग फॉर 20 मिनट्स एंड देन कूलिंग अगेन एंड री बॉयलिंग एंड कूलिंग फॉर 3 टाइम्स विच किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट फॉर फ्यू बैक्टीरियल स्पोर. तो इसमें हम क्या करेंगे? फिजिकल डिसइंफेक्शन में मॉइस्ट हीट को हम यूज़ करते हैं या फिर हम बॉयल करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को 20 मिनट्स के लिए, फिर उसको कूल कर देंगे, देन फिर अगेन रीबॉयल करेंगे एंड फिर अगेन कूल डाउन करेंगे. ऐसा हम 3 बार करेंगे. ऐसा करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादातर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके स्पोर्स जो हैं वो रहते हैं अभी भी. देन केमिकल डिसइंफेक्शन, ठीक है, केमिकल डिसइंफेक्शन नाम से पता चल रहा है, इसमें हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है. और ये रेडी टू यूज़ मिलते हैं, ठीक है, अवेलेबल होते हैं. और उसके मतलब हमने देखना है कंसिस्टेंसी हमें कितनी रखनी है, ठीक है. जैसे अगर हमने बैक केयर देनी है तो हम अलग तरह का यूज़ करेंगे. अगर हमने थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करना है तो हम अलग कंसिस्टेंसी को हम यूज़ करते हैं, है ना. 5% है, 10% है वैसे. देन फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स में आपका आता है बॉइलिंग वाटर हो गया, पैस्चराइजेशन हो गया. जैसे कि आप दूध लेते हो मार्केट से, पैकेट का दूध आता है ना मदर डेयरी का जैसे, तो वो पैस्चराइज मिल्क होता है, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ फिजिकल डिसइंफेक्टेंट. देन अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती है, जैसे कि आप धूप में कोई चीज़ को रख देते हो, ठीक है, तो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन से भी ख़त्म हो जाती है ना, सनलाइट से. या फिर डायरेक्ट अल्ट्रा वॉयलेट रेज आप उसके अंदर इमिट करवा रहे हो किसी चीज़ को स्टेरलाइज करने के लिए, तो वो किसमें आएगा? फिजिकल डिसइंफेक्टेंट में.
देन केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स आपकी बच्चे आ जाती है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड है, ग्लूटराल्डिहाइड है ना, तो सिडिक्स सॉल्यूशन भी आता है जिसके अंदर आप चिटल फोर्सेप को डिसइंफेक्ट करते हो, है ना, तो वो सब इसके अंदर आएंगे आपके। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी इस केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स में आता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स। तो केमिकल डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस में आपका फिनॉल भी आ जाता है या फिनॉल डेरिवेटिव आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी। देन हैलोजन्स आ जाते हैं जैसे क्लोरीन या फिर आयोडीन, ठीक है। सो दैट जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल डिसइंफेक्शन, है ना। देन कॉमन हाउस होल्ड ब्लीच जो यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, 5% अवेलेबल होता है उसमें क्लोरीन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन। देन अल्कोहल बेस्ड आते हैं, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो सैनिटाइजर्स होते हैं आपके, है ना, तो वो भी किसमें आते हैं, केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है वो, जिस जो आजकल हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं हैंड अपने हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए, है ना। तो वैसे भी बोला गया मार्केट में कि वो वाला सैनिटाइजर जो होता है वो बेस्ट होता है जिसमें कि अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 70% to 90% हो। तो जब भी आप सैनिटाइजर पर लेने चाहेंगे तो उसमें आपने देखना है अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट शुड बी मोर देन 70%, ठीक है। देन एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड में फॉर्मलिन आता है आपका, जैसे आपने देखा होगा लैब्स के अंदर मलैब्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को, है ना, रखते हैं बॉटल जार्स के अंदर बंद करके, तो वो कौन सा सॉल्यूशन रखते हैं हम, उसको फॉर्मलिन के अंदर रखते हैं ना। सो फॉर्मलिन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, सो दैट इज ऑल्सो यूज एज दिस, आप बोल सकते हैं केमिकल डिसइंफेक्टेंट होता है ये, ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं फ्यूमिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। देन ग्लूटराल्डिहाइड आ गया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। देन हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल। नेक्स्ट आता है आपका स्टरलाइजेशन। सो आफ्टर क्लीनिंग डिसइंफेक्शन देयर विल बी अ टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इज स्टरलाइजेशन, ठीक है। सो स्टरलाइजेशन हम सबको पता है कि स्टरलाइजेशन के अंदर हम चीज़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री भी कर देते हैं प्लस उसके स्पोर्स से भी फ्री कर देते हैं। सो इट इज़ द किलिंग और रिमूवल ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स विच आर हाईली रेजिस्टेंट। सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म दैट द आर्टिकल मस्ट बी स्टेराइल मीनिंग द एब्सेंस ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टेराइल आर्टिकल का मतलब क्या है कि वो आर्टिकल जो है वो चीज़ जो है दैट इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग देयर स्पोर्स, ठीक है। देन यूजेस हमें पता है स्टरलाइजेशन के, सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो भी चीज़ें यूज होती हैं वो स्टरलाइज हमें करनी होती हैं। देन स्टरलाइजेशन इज ऑल्सो डन इन माइक्रोबायोलॉजिकल वर्क, जैसे कि कल्चर मीडिया कोई बनाना है, कोई रिएजेंट है, कोई इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, लैब के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, पैथोलॉजी लैब के अंदर, दैट ऑल शुड बी स्टरलाइज, ठीक है। देन यूजेज ऑफ स्टरलाइजेशन कंटिन्यू है, कॉमनली यूज इन द ऑपरेटिंग रूम एंड द डिलीवरी रूम एंड also used in nursing procedures that are invasive. तो उन nursing procedure में भी use किया जाता है जो कि invasive होता है। invasive का मतलब क्या है, we are breaking the skin barrier of the client, ठीक है, and we are entering into the skin barrier of the patient, right? So in that condition we are doing the sterilization. Then purposes we all very well know, ठीक है। So क्योंकि हम patient की skin barrier को break करके अंदर enter कर रहे हैं, ठीक है, तो that particular thing which is we are going to insert inside the स्किन बैरियर ऑफ द पेशेंट, ठीक है, तो वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। देन इट प्रोटेक्ट्स पेशेंट्स फ्रॉम पॉसिबल इन्फेक्शन व्हेन नेचुरल डिफेंस आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। देन प्रोसीजर इसमें नहीं करेंगे हम, हाँ जी। देन आता है आपका स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टरलाइजेशन बाय हीट, ठीक है। स्टरलाइजेशन बाय हीट के अंदर आपके तीन, हम इसमें आप बोल सकते हैं कि स्टरलाइजेशन बाय हीट के अंदर आपकी तीन क्लासिफिकेशन आती है। नंबर वन इज स्टरलाइजेशन एट 100°C एंड स्टरलाइजेशन अबव 100°C एंड स्टरलाइजेशन बिलो 100°C, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन एट 100°C अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉयलिंग की। देन आता है स्टरलाइजेशन अबव 100°C। अबव 100°C का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोक्लेविंग, ठीक है। तो अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है स्टरलाइजेशन एट 100°। तो 100° का मतलब क्या है, बॉयलिंग, ठीक है। बॉयलिंग की जब भी बात होगी तो बॉयलिंग के लिए हमें 30 मिनट्स चाहिए होते हैं। हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसको हम बॉयल कर रहे हैं उसको हमने अच्छे से अंदर इमर्स करना है उस पानी के अंदर और बॉयल करना है फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो सिरिंजेस हो गया, रबर गुड्स हो गए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, दे मे बी स्टरलाइज बाय दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। देन स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट, ठीक है। स्टरलाइजेशन जो है वो हम सेम 100°C पे कर सकते हैं,
विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट हीट, जैसे कि बॉइलिंग के थ्रू या फिर स्टीमिंग के थ्रू, ठीक है, स्टीम के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये नीचे सेकेंड पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्टरलाइजर, ठीक है. देन ये तो था एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री कर रहे हैं हम, तब हम उसे क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग. अब है अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो स्टरलाइजेशन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से अबव करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोक्लेविंग. और ऑटोक्लेविंग बच्चे हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना टॉपिक, ऑटोक्लेव कैसा होता है, इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है ना, 121 डिग्री का जो टेम्परेचर है हम इसके अंदर मेंटेन करते हैं, है ना. सो दैट इज देयर इन दिस टॉपिक. देन आता है स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. बिलो 100 डिग्री सेल्सियस स्टरलाइजेशन कैसे होगा, हम अगर हम ऐसा बोलेंगे दैट दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन स्टरलाइज्ड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. अब क्वेश्चन आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसे हम फिर स्टरलाइजेशन नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं हम इसे बोलेंगे फिर पैस्चराइजेशन. जैसे कि आप मिल्क लेते हैं ना, मिल्क लेते हैं ना पैकेट में, जैसे मदर डेरी का पैकेट का मिल्क आता है या अमूल का आता है, किसी भी ब्रांड का आता है ना, तो वो जो पैकेट के अंदर मिल्क होता है दैट इज पैस्चराइज्ड, ठीक है, वो बॉयल्ड नहीं होता, वो क्या होता है, पैस्चराइज्ड होता है. सो पैस्चराइजेशन की जो होती है दैट इज हीटिंग ऑफ मिल्क टू सच टेम्परेचर एंड फॉर सच अ पीरियड ऑफ टाइम सो एज टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट मे बी प्रेजेंट इन मिल्क विदाउट चेंजिंग द कलर फ्लेवर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द मिल्क, ठीक है. तो वो 100 डिग्री से कम होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे फिर, पैस्चराइजेशन. ये प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन अभी आपका टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं. देन नेक्स्ट आ जाता है आपका बच्चे स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन. तो ये सारा अभी तक जो हमने पढ़ा बॉइलिंग है या फिर ऑटोक्लेविंग है या फिर पैस्चराइजेशन है, दिस इज स्टरलाइजेशन बाय हीट. नेक्स्ट आता है स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन. तो रेडिएशन से आप यूवी लाइट से कर सकते हैं, गामा रे से कर सकते हैं स्टरलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन बीम से कर सकते हैं और एक्सरे के साथ भी आप जो है स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है. सो गामा एंड एक्सरे रे आर टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड इन स्टेरलाइजेशन. यहाँ प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स गलत हो गए हैं, इट्स PLE, प्लीज करेक्ट कर लेना. देन देयर एप्लीकेशन इज मेनली सेंटर्ड ऑन द स्टेरलाइजेशन ऑफ प्री पैक्ड मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है. जैसे कि आपको पता है ये आती हैं हमारे पैक्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं पैकेट के अंदर, ठीक है, वो किससे स्टेरलाइज होते हैं, रेडिएशन के थ्रू होते हैं वो, ठीक है, स्टेरलाइज. देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द प्रैक्टिकल मेथड फॉर इनएक्टिवेटिंग वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड फंजाई. एंड यूवी रेडिएशन इज सक्सेसफुल यूज्ड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है. यूवी लाइट स्टरलाइजिंग कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड ऑन द सर्फेसिस बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर. जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से हमें मिलती है, सनलाइट से मिलती है, ठीक है, उसकी इतनी अच्छी पेनिट्रेशन नहीं होती कि वो सब की ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर जाए, तो वो सरफेस से क्लीन कर देती है. तो अगर कोई पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया तो हमें उसके रूम की जो विंडोज़ हैं उसको ओपन कर देना चाहिए ताकि जो सनलाइट है वो अंदर आए और कुछ हद तक जो है वो डिसइंफेक्ट हो जाए, ठीक है, रूम. बाकी अच्छे से करना होता है उसको तो फिर हम फ्यूमिगेशन वाला मेथड आपको बताया गया, फ्यूमिगेशन से हम उसको क्लीन करते हैं. सो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है पहले, है ना. सो जनरल प्रिंसिपल्स कर लेते हैं इसके लास्ट, है ना, इसके डिकंटामिनेशन के. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव थ्रू स्पेस इन एयर करंट्स, ठीक है ना. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एयर करंट के अंदर फ्लो करता है, ये इसका प्रिंसिपल ध्यान में हम रखना है. इसलिए जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो हमने जो विंडोज होती है और डोर होता है वो पूरा हम सील कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्फेस टू अनदर व्हेन नॉन स्टेराइल ऑब्जेक्ट टचेस अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है कि जो स्टेराइल ऑब्जेक्ट है उसको हमने स्टेराइल ऑब्जेक्ट के साथ ही टच करना है. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटी व्हेन अ नॉन स्टेराइल आइटम इज हेल्ड बिलो द वेस्ट लेवल, ठीक है. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्टेराइल फील्ड होगा उसमें हमने अपने हैंड्स जो होते हैं वो अपने वेस्ट लेवल के ऊपर रखने होते हैं. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल रैपिडली अलॉन्ग एनी मॉइस्चर थ्रू अ विकिंग एक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव स्लोली अलॉन्ग अ ड्राई सर्फेस. तो अगर ड्राई सर्फेस होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्लोली ट्रेवल करता है, इसलिए हमने ज़्यादातर ट्राई करना है कि ड्राई सर्फेस जो है वो मेंटेन कर बना के रखने हैं. देन लास्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिलीजेस थ्रू द एयर और ड्रॉपलेट न्यूक्लियर वेयर एवर अ पर्सन ब्रीथ्स और स्पीक, ये भी हमें पता है, ठीक है. इसलिए हम मास्क का जो है वो वियर करने के लिए हम प्रेफर करते हैं वाइल वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ डिकंटामिनेशन ऑफ इक्विपमेंट और पेशेंट यूनिट, राइट. So I hope this particular topic is clear to all of you. ठीक है, as this was a revision session, तो अगर आपको कोई भी doubt है आप please मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है. Thank you so much for listening.